पंचकुला के जंगल में मिला एक नाबालिग बच्ची का शव। मौके पर पंचकुला पुलिस के डीसीपी मोहित हांडा सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। बच्ची की उम्र करीब 13 से 15 साल बताई जा रही है। फिलहाल बच्ची की पहचान नहीं हो पाई है। चंडी मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले डंपिंग ग्राउंड के साथ बंदर घाटी के पास के जंगल में मिला बच्ची का शव। मौके पर डीसीपी मोहित हांडा, चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कुमार, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमन कुमार, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर 19 के इंचार्ज करमवीर व डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज महेंद्र डांडा। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखें पंचकुला से कपिल नागपाल की रिपोर्ट। एक बॉडी मिली है सर बच्चे की, सर क्या मामला है सर बताएंगे सर? यहाँ पे सूचना मिली थी पुलिस स्टेशन में कि इस टाइप से कोई अनआइडेंटिफाइड एक डेड बॉडी बच्ची की मिली है। तो मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुँची है और सीन ऑफ क्राइम टीम भी यहाँ पे है। हम बॉडी को एग्जामिन करके और फिर आगे जो लीगल प्रोसीडिंग है वो करें। कुछ पता लगता है सर यही मारा है या मार के फेंका गया या दुष्कर्म हुआ? देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अभी एक बारी मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। प्राइमा फेशी ऐसा कोई बॉडी पे मेजर कोई फेटल इंजरी नहीं है, फिर भी इसकी पुष्टि जो है वो प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही की जाएगी।